आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सिंगू बॉर्डर पर किसानों की मुहिम जारी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गाजीपुर बॉर्डर पर भी जमे हुए हैं किसान, खेती कानून की वापसी तक जमे रहने का जताया इरादा। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए लंगर, एक कश्मीरी युवक एक महीने से खिला रहा है खाना। सिंगू बॉर्डर पर कुछ किसान कर रहे हैं भूख हड़ताल, मांगे माने जाने तक हड़ताल नहीं तोड़ने का ऐलान। सरकार के साथ किसानों की अगले दौर की बात, 8 जनवरी को नतीजे की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद कानून पर रोक से किया इनकार, यूपी और उत्तराखंड ने बनाए हैं कानून। दोनों राज्यों को जारी किए गए नोटिस, याचिका में थी दलील, कानूनों से समाज पर पड़ेगा असर। किसान आंदोलन पर 11 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, सभी याचिकाओं को एक साथ मिलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, अब तक नहीं सुधरे हालात, अटॉर्नी जनरल ने दी दलील, बातचीत से मामला सुलझने की उम्मीद है। सरकार ने दी दलील, सुनवाई में जल्दबाजी ठीक नहीं, सरकार कोर्ट में जवाब देगी तो बातचीत के रास्ते हो सकते हैं बंद। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बरकरार, 7 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर के साथ मार्च। 7 जनवरी को केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करेंगे किसान, दिल्ली से सटे 4 बॉर्डर पर किसानों का मार्च। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भी मार्च की तैयारी, गाजीपुर से पलवल, सिंगू से कोंडली, टिकरी से कोंडली और रेवासन से किसानों की मार्च की है तैयारी। 9 जनवरी को किसानों के मसीहा कहे जाने वाले छोटू राम की जयंती पर किसान जलाएंगे कृषि कानून की कॉपी, किसान दिवस 25 और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड का प्लान। योगेंद्र यादव के मुताबिक हरियाणा में किसान घर घर जाकर मांगेंगे लोगों से समर्थन, 9 जनवरी से होगी इसकी शुरुआत। 26 जनवरी को किसानों ने की बड़े आंदोलन की तैयारी, दिल्ली में मार्च निकालने की तैयारी, हर घर से एक सदस्य और एक गांव से 11 महिलाओं को जोड़ने की योजना। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल के मुताबिक 18 जनवरी को महिला किसान दिवस, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आजाद हिंद। राहुल गांधी का ट्वीट वॉर, लिखा 60 किसानों की मौत के लिए मोदी सरकार का अहंकार जिम्मेदार, मोदी सरकार जिद छोड़े, #, के साथ किया ट्वीट। अमृतसर में भी किसानों का धरना 105वें दिन से जारी, मांगे माने जाने तक धरना नहीं खत्म करने का ऐलान। पंजाब में जियो नेटवर्क को पहुंचाई गई क्षति, रिलायंस की याचिका पर पंजाब और केंद्र सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस, 8 फरवरी तक मांगा है जवाब। मोदी कैबिनेट की बैठक आज, सूत्रों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए 28,000 करोड़ के पैकेज का हो सकता है ऐलान। गुजरात में संघ की 3 दिवसीय बैठक में बंगाल चुनाव पर बनी रणनीति, किसान आंदोलन, राम मंदिर के चंदे पर भी की गई चर्चा। संघ की बैठक में भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, वनवासी कल्याण आश्रम और विश्व हिंदू परिषद के नेता शामिल। संघ की बैठक में सरकार के समर्थक दलों के समन्वय पर की गई बातचीत। 10 जनपद पर कांग्रेस की बैठक, डिजिटल आई कार्ड और पार्टी में आंतरिक चुनावों का मुद्दा। बिहार कांग्रेस नेता भरत सिंह का बड़ा दावा, 11 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी। लीडर भी जो है वो पहले पार्टी तोड़ने वाले लिस्ट में दस्तखत कर चुके थे, विरोधी दल के एक अपने आदमी के वो निजी व्यक्ति हैं, ये सब है इन सब कारणों से। और पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी की किताब में कांग्रेस नेतृत्व पर साधा गया है निशाना, प्रणब दा ने लिखा कांग्रेस नेतृत्व अपनी चमक खोने को नहीं पहचान पाई। नोटबंदी के बारे में प्रणब दा ने लिखा पीएम मोदी ने उनसे नहीं की थी चर्चा। सामना में केंद्र सरकार पर वार, लिखा सरकार अपने फायदे के लिए ही किसान आंदोलन खत्म नहीं होने दे रही। बुलंदशहर में जूते के सोल पर एक जाति का नाम लिखने पर विवाद, केस दर्ज। जूते बेचने वाले अज्ञात जूता निर्माता कंपनी व के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस जांच कर रही है। यूपी में सीएम आदित्यनाथ ने की किसान कल्याण मिशन की शुरुआत, किसानों को बताया गया सरकार की योजनाओं के बारे में। यूपी के मंत्री अनिल राजभर का बयान, जरूरत पड़ी तो ओबीसी के आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटेंगे। इस आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा में बांटे जाने की संभावना, ओबीसी को मिलता है 27% आरक्षण। करीब एक महीने बाद आखिर पेट्रोल डीजल महंगे, दिल्ली में डीजल 26 पैसे, पेट्रोल 25 पैसे हुआ महंगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 83.97 रुपये पहुंची, 29 दिन बाद हुई बढ़ोतरी। मुरादनगर शमशान घाट हादसे में नगर पालिका सभासद का दावा, डीएस ने की थी घटिया निर्माण सामग्री की शिकायत।
जून और जुलाई में कई बार शिकायत की गई, हादसे में 25 लोगों की गई थी जान। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली के अस्पताल से अब कल होगी छुट्टी, कुछ टेस्ट दोबारा होने की वजह से डिस्चार्ज में देरी। देश में कोरोना के 18,000 नए केस, 21,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। एक दिन में 264 मौतें, कुल मौतों का आंकड़ा 1.5 लाख के पार। कोरोना से सूरत में पतंगों का कारोबार प्रभावित, इस बार नहीं हो रही ग्राहकी। अयोध्या के अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू, कई कर्मचारियों की तैनाती। वडोदरा में भी वैक्सीन का ड्राई रन जोरों पर, अब तक सारी तैयारी सही मिली। मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू का कहर, सीएम शिवराज आज करेंगे आपात बैठक, बचने के उपायों पर होगी बातचीत। मंदसौर में चिकन और अंडे की बिक्री पर 15 दिनों तक प्रतिबंध, पिछले हफ्ते 200 कौवों की मौत के बाद जांच में बर्ड फ्लू की भी पुष्टि। आगरमालवा में 3 दिनों में 200 कौवों की मौत, खरगोन में भी पक्षियों की मौत, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल भेजे गए हैं सैंपल। इंदौर में एक जगह पर मृत पाए गए 145 कौवे, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से मौत की आशंका, की जा रही है जांच। खरगोन में 3 दिनों में 20 कौवों की मौत, बर्ड फ्लू की बढ़ी आशंका। राजस्थान के कोटपुतली में अनूठी मुहिम, कैदियों में सुधार के लिए समाजसेवियों ने जेल को लिया गोद। ठाणे में बस में आग, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, कोई हताहत नहीं। जमशेदपुर में ट्यूशन टीचर ने बच्चे के साथ की छेड़छाड़, परिजनों का थाने पर हंगामा। बैतूल में विज्ञापन कंपनी ने की ठगी, रकम दोगुनी करने का लालच देकर 15 करोड़ लेकर फरार। एलईडी विज्ञापन होर्डिंग से दिया था मोटे मुनाफे का लालच, कई लोगों ने 25 लाख तक गंवाए। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, सुबह कई इलाकों में बारिश। साउथ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश, अब रुका रिमझिम का सिलसिला। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह कोहरे ने भी किया था परेशान, सुबह कई इलाकों में लोग रहे परेशान। दिल्ली के कुछ इलाकों में आज गिरे ओले, मौसम विभाग ने पहले ही जताया था अनुमान। गुरुग्राम में भी बदला मौसम, कई इलाकों में सुबह ओले गिरे। श्रीनगर में लगातार तीसरे दिन भारी बर्फबारी, लोगों को खासी दिक्कतें। 3 दिन से उड़ाने भी रद्द, एयरपोर्ट पर बिछी बर्फ की चादर। श्रीनगर के तमाम इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, रास्ते भी जाम। श्रीनगर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी बर्फबारी, आवाजाही करीब करीब ठप। तेज सर्दी और बर्फबारी से कश्मीर में फर की इस तरह के शूज की मांग बढ़ गई है, पैर गर्म रखने में ये होते हैं मददगार। मनाली में बर्फबारी का टूटा कहर, सोलंग नाला में फंसे सैकड़ों पर्यटक, कड़ाके की ठंड, माइनस में है पारा। भारी बर्फबारी की वजह से मनाली सोलंग नाला मार्ग पर लगा जाम, स्थानीय लोग बने मददगार। बाद में प्रशासन ने पर्यटकों को पहुंचाया मनाली, वाहन छोड़कर रवाना हुए फंसे हुए सैलानी। शिमला में भी भारी बर्फबारी, नरकंडा में बिछी सर्द सफेदी। हिमाचल की लाहौल स्पीति में रुक रुक कर बर्फबारी जारी, -13 डिग्री सेल्सियस हुआ तापमान। भोजपुर में बदमाशों ने कार से चोरी किए 15 लाख रुपए, शीशा तोड़कर उड़ाई रकम। लखीमपुर खीरी एसडीएम और सीओ पर बरसे बीजेपी विधायक अरविंद गिरी, कहा हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं, समर्थकों ने बजाई ताली, वीडियो वायरल। अब गुंडा रणनीति नहीं चलेगी तो हमसे बड़ा गुंडा नहीं है। एटा में पीएससी के फायरिंग रेंज के करीब हादसा, गोली लगने से एक बच्ची भी घायल, घर के बाहर खेल रही थी बच्ची, तभी लगी गोली। वाराणसी में एक महिला और रेस्टोरेंट मालिक के बीच जमकर हाथापाई, महिला के नशे में होने का आरोप, मारपीट के बाद रेस्टोरेंट मालिक फरार। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बम से हमला, टीएमसी की पंचायत स्थल के पास हुआ था अटैक। बदायूं में मंदिर में गई 50 साल की महिला की रेप के बाद हत्या का आया है मामला सामने, महंत पर ही लगा आरोप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि, पैर में था फ्रैक्चर। दो साथियों के साथ महिला का शव लेकर उसके घर पहुंचा आरोपी महंत, कुएं में गिरने से महिला की मौत की बात कही, पुलिस को तीनों नामजद आरोपियों की तलाश। यूपी पुलिस के सवेरा मिशन पर लगा सवाल निशान, सवेरा के प्रचार पोस्टर में लाभार्थियों में छापी लापता महिला की तस्वीर, बेटी ने दर्ज कराई शिकायत। शामली के रवि यादव हत्याकांड में पुलिस का खुलासा, दोस्त ने बहन पर बुरी नजर रखने के आरोपी की थी रवि की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार।